बैक टू माई चैनल। मैं मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज हम बनाएंगे गुरुद्वारे वाला हलवा, आटे का हलवा। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी आटा है, ये बड़ी आधी कटोरी आटा है, एक कटोरी घी है, ये जमावा घी है, आधी कटोरी चीनी, और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं गुरुद्वारे वाला हलवा। गैस को हम जला लेंगे, रखेंगे पैन, पहले डालेंगे घी, घी मेल्ट होने देंगे इसमें। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आटा। आटे को हम लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ा ब्राउन, डार्क ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। आंच को कर देंगे लो, ये आटा हमारा नीचे से जलना नहीं चाहिए, अगर जल जाएगा तो इसमें स्मेल आने लग जाएगी। इसको बराबर चलाते रहेंगे धीरे धीरे धीमी आंच में। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं, घी कम लग रहा है, सारा ही डाल देते हैं घी। इस तरह से इसको भूनेंगे हम 10 से 15 मिनट तक। आटा हमारा भून चुका है, आटे से घी अलग हो चुका है, इसका मतलब हमारा आटा भून के तैयार है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, साथ में चीनी डाल देंगे। जितनी बची थी वो भी डाल देंगे चीनी। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, पानी थोड़ा हमने गर्म किया है, हल्का गुनगुना सा कि ठंडा है पानी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे इस तरह से, जिससे इसमें कोई लम्स ना पड़ जाए। पानी को हमेशा थोड़ा गुनगुना कर लेना। लगातार चलाते रहेंगे इसको, पानी डालते रहेंगे चलाते रहेंगे।
इस तरह से। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। पानी आप अपने अंदाजे से डाल लें। जब ये फ्राई पैन छोड़ने लग जाए तो सोच लो हमारा हलवा बनके तैयार है। ये देखिए फ्राई पैन बिल्कुल साफ हो चुका है। जो हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे थे हम वो डाल देंगे थोड़े थोड़े करके इस तरह से। किशमिश, बादाम, मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में हलवा बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से हलवा बनके तैयार है। देखिए निकालेंगे इसे एक बाउल में। ये देखिए फ्राई पैन घी छोड़ गया है। ये देखिए बिल्कुल फ्राई पैन साफ हो गया। ये हमारी पहचान है कि हलवा हमारा बनके तैयार है। कमेंट करके बताना आप लोग ये आटे का हलवा किस तरह से बनाते हैं। निकाल लेते हैं इसे एक बाउल में। ये हमारा आटे का हलवा कैसा लगा, गुरुद्वारे वाला हलवा? अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा बना और आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।